नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेल फार्मिंग के बारे में। स्नेल का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है, स्नेल का इस्तेमाल जो है आपके बॉडी लोशन और क्रीम इन सब को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो स्नेल की फार्मिंग को आज हम समझेंगे। बहुत आसानी से इसकी खेती हो सकती है और अच्छा खासा मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये स्नेल जो है ऐसी कुछ स्नेल खरीद लेनी है। अगर आप लोग रोमन स्नेल जो है वो खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो जो भी आसपास उपलब्ध हो वही स्नेल आप खरीद लीजिए। स्नेल खरीदने के बाद आपने जैसे 5 किलो स्नेल खरीद लिया, तो सबसे पहला काम करना है अपने फार्म हाउस को बड़ा करना है। यानी कि 5 किलो स्नेल को हमें लगभग 50, 60, 70, 80 किलो तक लेके जाना है। तो हमें क्या करवाना होगा, सबसे पहले इनके मेटिंग करवाकर इनसे अंडे लेने होंगे और उन अंडों से बच्चे निकलवाने होंगे। वो काम कैसे किया जाएगा, आपने स्नेल लिया, स्नेल को लेने के बाद आपने लकड़ी के 2 फट्टे लेने हैं और उन फट्टों को इस तरह से लगा देना है। उन फट्टों के बीच में जो अपनी प्लांट वाली ट्रे होती है ना, जिसके अंदर हम प्लांट लगाते हैं, या तो ऐसी ट्रे मिल जाए या ऐसे छोटे छोटे कप मिल जाए, उन कपों के अंदर दलदली मिट्टी जो होती है वो डाल देनी है, या फिर डेली मिट्टी के अंदर पानी डालते रहिए, ऐसी मिट्टी डाल देनी है, जोहड़ की मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो, वो डाल देनी है। और इन फट्टों के ऊपर स्नेल को छोड़ देना है। कोई भी प्रकार का अनाज है उसका आटा फूड के रूप में इन्हें डालते रहना है। अब ये स्नेल क्या करेंगी, जो स्नेल बच्चे देने वाली होगी, अंडे देने वाली होगी, वो स्नेल इन डिब्बों के अंदर आके बैठेगी और यहाँ पे अपने अंडे दे देगी। गुच्छों के अंदर इसके अंडे होते हैं। तो हमें अपना फार्म बड़ा करना है तो अंडे नहीं बेचने, केवल उनसे बच्चे निकलवाने हैं। फिर इनको आप स्नेल के अंडे जो हैं इनको इकट्ठे कीजिए। इकट्ठे करने के बाद आपको क्या करना है, एक थर्माकोल की ट्रे लेनी है, उसके अंदर हल्का हल्का अनाज बिछाना है और उसके अंदर इन अंडों को रख देना है। कुछ दिनों बाद ये अंडे जो हैं ये हैच होने लग जाएंगे, इनसे बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपके पास भरपूर मात्रा में स्नेल जो है हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने फार्म के अंदर जो बड़ी स्नेल हैं उनको तो अंडे देने के लिए ही रखना है, लेकिन जो नए बच्चे तैयार हुए इनको अपने फार्म के अंदर गोभी की बुआई कर लीजिए, मूली की बुआई कर लीजिए, मूली जिसको कहते हैं, सरसों की बुआई कर लीजिए, ऐसी बुआई करके और उस खेत के अंदर फवारा लगा दीजिए। फवारे लगाने के बाद आपको सुबह शाम डेली फवारे चलाने हैं और उसी के साथ साथ इस खेत में कुछ फट्टे रख देने हैं और उनके ऊपर इन बच्चों को छोड़ देना है। टेम्परेचर जो है वो कम रहे, 20-25 डिग्री से कम रहे, ऐसा आपको इन्वायरमेंट बना के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बुछार आप दिन में करिए और फट्टों के ऊपर ये स्नेल धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे, पत्ते खाते रहेंगे, दोबारा आकर फट्टों पर रहना शुरू कर देंगे। इस तरह 4-5 महीने बाद ये जो स्नेल हैं काफ़ी बड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप इन्हें इकट्ठा कीजिए और इन्हें बेच दीजिए। खाने वालों को बेच सकते हैं, 5-स्टार होटल है वहाँ पर बेच सकते हैं, कॉस्मेटिक वालों को बेच सकते हैं, इन स्नेलों की बिक्री हो जाएगी। और दूसरी बात, जो स्नेल हमारे अंडे दे रहे हैं उन अंडों को इकट्ठा कीजिए और उन अंडों को भी बेच दीजिए। इनके अंडे जो हैं वो भी खाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, उनको खरीदने वाली भी काफ़ी कंपनियां हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको कौन खरीदेगा, वो खरीदेंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं, और ख़ासतौर पे फ्रांस के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि स्नेल को वहाँ पर बहुत खाया जाता है। और भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर स्नेल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो आप लोग स्नेल की खेती कर सकते हैं, इसके अंदर खर्चा बहुत कम है। तो दोस्तों, स्नेल की फार्मिंग के बारे में अगर बहुत ज़्यादा डिटेल आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए एबीसी इंडिया।